हैप्पी न्यू ईयर गाइस, 2024 स्टार्ट हो गया है. मुझे ऑनेस्टली पता ही नहीं चला. वैसे हर साल ऐसा फील होता है जैसे कि साल बहुत जल्दी निकल गया है, बट दिस टाइम डेफिनेटली मेरे को पता ही नहीं चला 2023 कहाँ निकल गया. वॉज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ ईयर फॉर मी. खट्टी मीठी यादें हैं, दोनों तरीके की यादें हैं. कुछ चीज़ें, कोई लोग खोए हैं और कुछ नए लोग ज़िंदगी में आए हैं, नई चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में. सो इट्स वेरी मिक्स्ड फॉर मी. यू गाइज लेट मी नो आप लोगों का साल कैसा रहा 2023. 2024 एक होप के साथ स्टार्ट कर रही हूँ दैट अच्छा जाएगा. अच्छा जाएगा से ज़्यादा कहूँगी कि मतलब जैसा भी जाए ठीक है. कुछ चार चीज़ें अगर बुरा भी गया तो चार चीज़ें सिखा के ही जाएगा. सो दैट इज़ ओके. ऑलवेज अप फॉर लर्निंग, यू नो मी. एनी वे, सो या आई थिंक इट वॉज द बेस्ट टाइम. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आई वॉज जस्ट यू नो लुकिंग फॉर द राइट टाइम कि बस अब मुझे वापस आना है यूट्यूब पे, वापस से वीडियोज़ शुरू करनी है बनानी. मतलब इतने एटलीस्ट लंबे लंबे ब्रेक्स नहीं लेने हैं. ऑब्वियसली आप लोगों को पता है अब विद आभारी द ब्रांड दैट आई स्टार्टेड द साड़ी ब्रांड, आप लोगों को पता है कि जब से वो स्टार्ट हुआ है ऑब्वियसली मतलब मेरा जो काम है वो काफ़ी बढ़ गया है. मोर देन दैट और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बस मैं वीडियोस पे नहीं मैं वापस आ रही थी. एनी वे, सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम. और कोई समझ नहीं आ रहा था. ऐसे लग रहा था जैसे कि हाँ आई थिंक 1 जनवरी ही एक परफेक्ट टाइम होगा वापस से वीडियोस बनाना शुरू करने का. एंड मुझे ऑनेस्टली 2023 में बिल्कुल पता नहीं था. लाइक एंड ऑफ 2023 में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं वापस आऊँगी भी या नहीं आऊँगी. मुझे ऐसे लग रहा था मे बी आई जस्ट यू नो फोकस ऑन आभारी. आई हैड नो क्लू बट आई डिड नॉट मेक एनी अनाउंसमेंट बिकॉज इसीलिए क्योंकि मुझे कोई क्लू नहीं था. मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था करना है आगे क्या करना है. आई थॉट कि चलो ठीक है टाइम पे छोड़ती हूँ, अभी रहने देते हैं. अभी वैसे भी थोड़ा यू नो विद एंडिंग ऑफ द ईयर के साथ बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी लाइफ चेंज हुई थी मेरी. यू नो हाउ इट इज़, 2023 वॉज अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो सबके साथ डील करना वॉज वेरी न्यू फॉर मी. लाइक पहले कैसे था ना, लाइफ पूरी एक सेट थी कि भाई ऐसी ही जारी है, सुबह उठो ये करो फिर ऐसे करो फिर वीडियो बनाओ फिर अब आज वीडियो शूट नहीं होनी है तो एडिट होनी है. सो इट वॉज अ सेट रूटीन. बट विद आभारी एंड विद ऑल्सो स्पेशली कमल गोइंग टू अंधेरी, यू नो शिफ्टिंग टू अंधेरी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं बट रूटीन बहुत सारा चेंज हो गया था. तो मेरी बॉडी को, मेरे ब्रेन को इन चीज़ों की, ये नए रूटीन की आदत नहीं थी. लास्ट 5-6 साल से एक सेट रूटीन था कि हाँ ऐसे ही होता है, फिर ऐसे होता है, फिर या तो हम ट्रैवल के लिए चले जाएंगे, फिर हम घर बैठे हैं, एडिट हो रहा है, शूट हो रहा है, वही सब लाइफ थी, सेम लाइफ थी. सो बॉडी और माइंड बहुत कंफर्टेबल हो गया था उस रूटीन के साथ और सेट हो गया था. सो अभी सारी चीज़ें चेंज हुई तो उस वजह से 2023 काफ़ी मिक्स्ड था मेरा. काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ज़िंदगी में न्यू हुई बट एनी वे, सो इसलिए अनाउंसमेंट नहीं की थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. बट लास्ट अभी दिसंबर में आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू दिस, 2023 के दिसंबर में, यानी अभी जो कल ख़त्म हुआ है दिसंबर, बाय द वे टुडे इज़ 1 जनवरी व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो. सो दिसंबर में मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे ऐसे हल्की हल्की से ना याद आनी शुरू हो गई थी आप लोगों की, आप लोगों से जो कनेक्ट था उसकी, यूट्यूब की, मेरे उस रूटीन की जो मैं करा करती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं मिस कर रही थी. तो आई थॉट कि ओके ठीक है, ओके हो रहा है शायद. आई यूज टू डिस्कस विद कमल ऑल्सो कि यार मुझे ऐसे लग रहा है मुझे ना खुद मन कर रहा है मतलब अब जाके वीडियोज़ बनाने का, लोगों से वैसे ही जैसे पहली लाइफ थी वैसे सब चीज़ें कर लेने का. तो देन वी थॉट कि अच्छा ठीक है, गिव इट टाइम, लेट्स सी हाउ यू फील अभी आगे. हो सकता है इट्स जस्ट अ मोमेंट, तो यू टेक योर टाइम. एंड या आई थिंक एंड होते होते, दिसंबर एंड होते होते मुझे लगा कि मतलब आई वॉज रेडी टू कम बैक. हाँ जिस स्पीड से मैं पहले वीडियोज़ बनाया करती थी बिकॉज दैट वॉज माई ओनली वर्क, सो एवरी 3 डेज 2-3 डेज में कोई ना कोई वीडियो आया करती थी. बट लास्ट ईयर ऐसा नहीं रहा. तो आई एम होपिंग के 2024 में मैं बहुत कम भी नहीं, अगर ज़्यादा नहीं तो बहुत कम वीडियोज़ भी नहीं बनाऊंगी. एंड या आई विल स्टे इन टच विद यू गाइज. आई रियली 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 मिस्ड एवरीथिंग दैट आई डू ऑन यूट्यूब. एंड आई थिंक इट्स नॉट वेरी ईजी टू लीव YouTube फॉर मी बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, मैंने सोचा था बहुत, हर तरीके के थॉट्स आते हैं ना, मतलब थॉट्स तो आते ही हैं हर दिन, यू कांट स्टॉप योर थॉट्स, वो तो आएंगे कुछ ना कुछ, अरे ऐसा होगा क्या, ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ क्या. बट देन इन दी एंड आई थिंक जिस चीज़ का पलड़ा, जिस
थॉट का पलड़ा भारी था वो यही था कि नो ज्योति यू हैव टू गो बैक. सो आई थॉट पहली जो वीडियो मैं 2024 में शूट करूंगी वो मैं क्यू एन ए ही करूंगी, बिकॉज यू गाइस नो मुझे क्यू एन ए से ऐसे बहुत अच्छा आप लोगों के साथ, मैं हमेशा बोलते हैं जब भी क्यू एन ए शूट करती हूँ उसकी इंट्रो में हमेशा बोलती थी कि बहुत टाइम से अगर क्यू एन ए नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है क्यू एन ए करते हैं, बिकॉज बात करने का क्या रहा पीछे, क्या वॉट एम आई थिंकिंग, आप लोग भी क्या जानना चाह रहे हो, कहाँ पे आप, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लाइफ की या जो भी. तो वहाँ से ही मुझे लगा कि फिर से शुरुआत करनी चाहिए. एंड हाँ, 2023 का एंड जो हुआ लास्ट सेकेंड लास्ट डे यानी 30th December को मुझे चोट लग गई, मैं गिर गई, तो अभी मैं थोड़ा सा दर्द में हूँ. अभी आई एम स्टिल बेटर, बट मेरे घुटनों पे थोड़ी सी चोट लग गई. दिखने वाली चोट ज़्यादा नहीं है, बट घूम चोटें जो होती है ना अंदर लगती हैं वो ज़्यादा है. तो 3-4 जगहों पे है, बट आई एम रिकवरिंग वेरी वेल. आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ. पहले मुझे लग रहा था कि यार अब मैंने तो परसों सोचा था वीडियो शूट करनी है, अब तो जो चोट लगी है अब तो मैं फिर वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, बट 2 दिन में आई गॉट रियली बेटर, अच्छा हो गया तबीयत पहले से. तो या हियर आई एम. ठीक है, सो आप लोगों को मैंने कल बोला था 31st को कि कुछ क्वेश्चंस भेजो जो भी आप लोगों को लगता है कि आपको पूछना है, और शुरू करते हैं. तो या आई थॉट आई जस्ट डू थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती हूँ. मेकअप ऑनेस्टली कहीं जाना वाना नहीं है आज क्योंकि चोट लगी हुई है, बट घर में 2-4 कमल के फ्रेंड्स आ रहे हैं रात को, तो नॉट दैट मुझे रेडी वेडी होना था उसके लिए, बट देन आई थॉट कि चलो ठीक है मैं वीडियो बना ही रही हूँ तो साथ में मेकअप भी कर लेती हूँ, बिकॉज यू गाइज एंजॉय माई मेकअप एंड यू गाइज एंजॉय मेकअप, मतलब नॉट जस्ट माई मेकअप, यू गाइज जस्ट इंजॉय मेकअप. सो आई थॉट कि चलो यहाँ से शुरू करते हैं, मेकअप करती हूँ साथ साथ आपके सवालों के जवाब देती हूँ, और या जब थोड़ी चोटे वोटे मेरी ठीक हो जाएंगी तो फिर थोड़ा बाहर निकल के भी मैं जैसे वीडियोज़ वगैरह बनाया करती थी वो सब भी करूँगी. बट या ठीक है, ओके चलो मेकअप की शुरुआत करते हैं. बहुत सारा लंबा, तो इतना लंबा तो इंट्रो ही हो गया मेरा, बट आई हैव सो मच टू टॉक यार, काफ़ी कुछ हुआ है यार लास्ट एक साल में. एनीवे ओके चलो शुरू करें. सो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ टॉपिक्स उठाते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज योर रिलेशनशिप फील लाइक टू यू, हाउ डू यू मैनेज नेगेटिव इमोशंस. ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो सबका एक ही उसमें जवाब दे देती हूँ कि रिलेशनशिप, आई एम सपोजिंग कि ऑब्वियसली कमल और मेरा रिलेशनशिप भी पूछा गया है और भी ऐसे बहुत सारे रिलेशन है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब क्योंकि कमल और मैं थोड़ा अलग रहते हैं फिजिकली, तो हाउ इज़ इट नाउ, इज़ इट एनी डिफरेंट. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं यार लाइफ में. इस वजह से जो कमल का डिसीजन था, ये हमारा जो डिसीजन था, उसकी वजह से ऐसे कोई बहुत सारे चेंजेस नहीं आए लाइफ में. जैसे पहले भी होता था ना, जैसे मैं और कमल कभी कभी ट्रैवल अलग करने जाते थे, या काम से कभी कमल गया हुआ है शूट के लिए या मैं गई हुई हूँ, तो ऑनेस्टली हम लोग को पहले भी तो आदत थी एक दूसरे के बिना रहने की. एंड वॉट अबाउट दैट टाइम जब हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में थे ही नहीं, तब भी तो हम अकेले रहते ही थे ना. सो हाँ, थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं हम, रूटीन एक सेट हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, तो वो कुछ चीज़ें थी डेफिनेटली जिनकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी आई. लाइक हमारे काम बटे हुए थे कि ये काम कमू का है, ये डिपार्टमेंट कमू का है, ये चीज़ें मैं देखूँगी. सो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अगर कमल नहीं है तो सारा कुछ मुझे ही देखना है, उसी बीच में मुझे यू नो आभारी भी संभालना है और बच्चों की चीज़ें भी हैं. बट थैंकफुली रीना इज़ बैक. ओ येस, इफ़ इन केस यू डिडंट नो, जब से नीरज गया था, नीरज आर हाउस हेल्प जो फुल टाइम था वो गया था, उसके बाद वी हैड कॉल्ड रीना बैक, क्योंकि तब उस टाइम पे जब हमें 24 आवर्स की हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे वी हैड टू लेट रीना गो. एनीवेज शी वाज इन पंजाब एंड देन उसकी बेटी की शादी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद. देन वी ऑल्सो केप्ट, वी ऑल्सो हायर्ड नीरज, बट देन जब वो फाइनली 8-9 महीने के बाद नीरज गया, उसके बाद रीना वॉज द बेस्ट ऑप्शन हमारा. उसके साथ बहुत अच्छा पूरा यू नो वो बना हुआ था, एक सेट था, उसको पता था हमारा घर कैसे संभलता है, क्या बच्चे बच्चे सब कुछ. सो रीना इज़ बैक. सो उसकी वजह से थोड़ा सा फिर भी मच बेटर हो गया है लाइफ, क्योंकि शी इज़ बैक. तो हाँ, थोड़ी बहुत बस रूटीन जो चेंज हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज एक आदत हो जाती है, बट अदरवाइज मोर और लेस कमल और मेरा रिश्ता सेम ही है. इनफैक्ट थोड़ा सा डिस्टेंस जब आता है, तो व्हेन वी मीट आफ्टर 4 डेज मिल रहे हैं, मतलब 4 डेज के बाद मिल रहे हैं, या कई बार 10 डेज के बाद मिल रहे हैं, तो इनफैक्ट अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है. एक यू नो क्योंकि हमारा जिस तरीके का काम था, लाइक कमल का भी एक्टिंग का काम है, तो उसमें अगर काम है तो काम है, अगर नहीं है काम तो कई बार कमल यू नो हफ्तों तक घर में ही है, जा रहा है तो थोड़ा बहुत बस एक ऑडिशन मीटिंग इसके लिए जा रहा है. सो वी आर मोस्टली ऑलवेज टुगेदर. सो अब थोड़ा सा इनफैक्ट एक ये चीज़ अच्छी हो गई है. मतलब ऑब्वियसली हमेशा अच्छा लगता है, पार्टनर के साथ हमेशा रहो तो वो
बेस्ट चीज़ होती है. बट ऑनेस्टली यू गाइस नो आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, इट माइट साउंड ऑकवर्ड बट डिस्टेंस आने से एक्चुअली थोड़ा सा चीज़ें बेटर ही होती हैं, हमारे रिश्ते में एटलीस्ट हुई हैं और बेटर हुई है. लाइक नाउ वी वेट फॉर ईच अदर कि कम्मू आएगा, कम्मू आ रहा है सैटरडे को या कम्मू आ रहा है संडे को. और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे में साथ में ही रहते थे हर वक्त. तो अभी दूरी आने से काफ़ी चीज़ें हमारी अच्छी ही हुई हैं. लाइक हमें बहुत स्पेस भी मिला है एक दूसरे को, हम दोनों काम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं. नहीं तो यू नो हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी ही हुई हैं. थोड़े बहुत उसके नेगेटिव्स हैं बट देन वी आर रेडी, इट्स ओके, वी आर टोटली ओके विद इट. अंटिल एंड अनलेस हमारे करियर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्मू का करियर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी कम्मू का करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो अगर चीज़ें सॉल्व हो रही हैं तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट लाइफ में करना पड़े, आई डोंट थिंक कोई बहुत बहुत ही बड़ी बात है. सो बढ़िया चल रहा है, जय माता दी, बहुत अच्छा चल रहा है. वी अच्छा अच्छे फेज में हैं हम लोग. उसके बाद हाउ डू यू मैनेज नेगेटिव इमोशंस? नेगेटिव इमोशंस ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं, सबका ही जवाब मैं कवर कर देती हूँ. नेगेटिव यार, जब आप लोग, जब मैं एक दो साल पहले तक वीडियोस बनाया करती थी और याद है आप लोग मुझसे पूछा करते थे कि यू नो हाउ डू यू डू दिस, हाउ आर यू सो पॉजिटिव. वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती थी कि यार देखो कैमरे पे आपको सब चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव सब इसलिए लगती हैं क्योंकि हम कैमरा तभी उठाते हैं जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम एक अच्छे मूड में होते हैं. एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि यू नो मैं मोस्टली कैमरा तभी उठाती हूँ जब मुझे अच्छा फील हो रहा था. आई वॉन्ट, मैं काम करना चाहती हूँ उस दिन, तो मैं काम कर रही हूँ. बट अदरवाइज इमोशंस डेफिनेटली मेरे भी नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मैं गुस्से में हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं. हाउ डू आई डील विद इट? आई थिंक पहले भी बोला है, हमेशा बोला है कि अगर एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिससे आप अपनी अपना सारा कुछ शेयर कर सकते हो, चाहे वो इट कुड बी योर मदर इन योर लाइफ, फादर इन योर लाइफ, पार्टनर, फ्रेंड, भाई, बहन, कोई भी हो. मेरी लाइफ में फॉर्चुनेटली कमल है, कमल की लाइफ में फॉर्चुनेटली उसके पास जय माता दी, उसके पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, हम लोग हैं. तो इसी तरीके से आई थिंक जो नेगेटिव मोमेंट्स, नेगेटिव टाइम, नेगेटिव फेजेस होते हैं इसी तरीके से निकलते हैं. मेरा और कमल का भी अभी बीच में आई थिंक नवंबर में या अक्टूबर में, आई थिंक हाँ नवंबर तो अभी है, अक्टूबर में आई थिंक वी वर हैविंग थोड़ा सा ऊपर नीचे का टाइम हो रहा था हमारा. वी वर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हम क्यों झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, समझ ही नहीं आ रहा था हम क्यों इतनी बहस कर रहे हैं एक दूसरे से. तो वो टाइम लेकिन हम लोगों ने निकाला, और ऐसा टाइम पहली बार नहीं, ऐसा टाइम बहुत बार हम लोगों आता है. ऑब्वियसली जब आप यू नो हमेशा साथ रहते हो तो बर्तन साथ रहते हैं तो खड़कते ही है ना टाइप्स. तो नवंबर वॉज थोड़ा सा टफ फॉर अस. नवंबर एक्चुअली इज द मंथ जब मेरे मम्मी भी गए थे, मम्मी को नवंबर. अरे यार, एम आई स्टिल देयर, एम आई स्टिल स्टक देयर, व्हाई एम आई स्टिल गेटिंग. इस वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूँगी कि आई हैव यू नो मूव्ड ऑन फ्रॉम माई मदर्स डेथ. आई हैव नॉट, मुझे समझ नहीं आता मुझे आंसू क्यों आते हैं. तो नवंबर थोड़ा सा हमारे लिए वो था, बट अदरवाइज आप उस फेज से एक बार निकल जाते हो. मैन आप अल्टीमेटली क्या होता है, आप चाहते अल्टीमेटली आपको ये होता है कि आपको पता है कि साथ रहना है या नहीं रहना, रहना है ना. तो विल डील विद दिस, विल डील. सो दैट्स व्हाट कमल एंड आई हैव ऑलवेज डन, दैट्स हाउ वी हैव डेल्ट विद यू नो कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ होती है, नॉट सो प्लेजेंट चीज़ होती है, तो दैट्स हाउ वी डील विद. यूट्यूब से रिलेटेड कुछ सवाल आए थे, वो कवर करते हैं हम पहले. आर यू बोर्ड ऑफ यूट्यूब, ये क्वेश्चन है. और इसके अलावा भी बहुत लोगों ने मुझसे इस मामले में सवाल किए हुए हैं कि छोड़ रहे हो क्या यूट्यूब, क्या छोड़ा है. वैसे मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो में इसके बारे में कवर कर ली हैं चीज़ें, बट एज आई वॉज टेलिंग यू ना कि छोड़ने की दिमाग में ऐसे सच नहीं आया था कि हाँ अब मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं अब यूट्यूब नहीं करूँगी. बट हाँ, ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर आती हैं कि छोड़ दूँ क्या अभी, शुड आई जस्ट यू नो स्टेप बैक, यू नो ऐसे ही कमल से ही बात करते करते कहीं पर दिमाग में आ जाए, अपने ही मन में आ जाए कि बस करूँ क्या, रहने दूँ क्या, हो गया क्या. तो वो चीज़ें हाँ आई थी. बोर यूट्यूब से नहीं हुई थी, बट बोर क्या होता है जब आप कोई चीज़ लगातार बहुत सालों से करते हो, आप कोई जॉब भी कर रहे हो अगर कहीं पे, लेकिन अगर आप बहुत सालों से वही चीज़ें सेम अगर आप रिपीट करते रहोगे. और यूट्यूब क्या है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप कुछ अलग करना चाहोगे तो उस पर भी ज़रूरी नहीं है आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा. बिकॉज हो सकता है लोगों को लगे अरे यार हम तो इसको इस चीज़ के लिए पसंद करते थे, अब ये क्या करती है, क्या वीडियोज़ बनाती है. तो जब भी मैं कुछ नया अगर कुछ ट्राई करने की कोशिश भी की तो उस पर जैसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो फिर लगता है अरे अच्छा अच्छा यू नो आई शुड जस्ट स्टिक back to what I was doing. And then when you do that, then there will be some people who will be like, अरे यार कब से यही करते जा रहे हो, और कुछ नया दिखाओ टाइप्स.
तो वो असमंजस जो हो जाता है, वो कन्फ्यूजन जो होता है, उसकी वजह से कई बार हाँ बहुत सारी, और फिर यू नो व्हाट ऑल हैपेंड इन माय लाइफ, मम्मी का चले जाना, कमल का शिफ्ट हो जाना, या फिर आभारी शुरू करना, उन सब चीज़ों के वैसे थॉट्स क्या आते थे मेरे दिमाग में? येस आते थे, मुझे ऐसा लगता था मैं कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। देखो मैं, मेरा क्या है ना, आपको पता है, जिनको पता है उनको पता है कि मैं बहुत छोटे होते से, बचपन से लाइक हम यू नो कमाते कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक मैं स्कूल में थी तब से यू नो आई हैव बीन अर्निंग। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो प्रोफेशनल करियर है, एक नॉर्मल इंसान अगर 25 पे यू नो कमाना शुरू करता है और वो 50-60 तक कमाता है, तो कुछ 25-35 साल का एक हर इंसान का एक टाइम रहता है, ड्यूरेशन रहता है काम करने का, वर्क एक्सपीरियंस का, है ना? वो तकरीबन 30-35 साल इंसान एक काम करता है अपनी ज़िंदगी में। करने वाले तो बुढ़ापे तक कर रहे हैं, मतलब लंबे 80-80 के हो गए हैं कर रहे हैं, बट वो पॉइंट नहीं कह रही हूँ। बट मेन जो वर्किंग ईयर्स होते हैं ना, वो वही होता है कि 25 से आप काम प्रॉपर एक जॉब वॉब शुरू करते हो और फिर यू नो आप 50-60 तक कर रहे हो। तो यही कुछ 25-35 साल होते हैं। मेरे लाइफ में वो साल बहुत पहले शुरू हो गए थे बिकॉज ऑफ माई फादर्स डेथ। सो कई बार मेरी लाइफ में वो सैचुरेशन आती है जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि अरे यार मैं बहुत टाइम से बस ना बहुत सालों से ऐसे लग रहा है बस कमा ही रही हूँ, बस कमाने की ही कोशिश कर रही हूँ। तो फिर वो वाली चीज़ें आती हैं कई बार, उसकी वजह से ऐसे लगता है कि अरे रुकूँ क्या, छोड़ दूँ क्या, अरे बस हो गया। तो वो चीज़ें आती हैं, बट हाँ ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ यूट्यूब, बट कोई भी चीज़ अगर आप इतना लगातार अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो आएगा ही ना, कि यू नो वो एक सैचुरेशन आएगा या जो भी। बट आई एम हैप्पी बाय दैट्स एटम बाय द वे पीछे बैठा है वो जो छीके मार रहा है। सैचुरेशन कभी कभी आना वो आई थिंक इट्स फेयर, वो हो जाता है। एंड आई एम हैप्पी दैट मैंने, अगर मैं कहीं कभी भी चाहती हूँ तो वो मैं ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज यू गाइज नो जब मैं ब्रेक नहीं लिया करती थी कुछ साल पहले, जब मैं एकदम ऑल यू नो एकदम से ऐसे हुआ करती थी कि आज ये वीडियो बनानी है, आज ये वीडियो बनानी है, उस टाइम पे यू नो आफ्टर अ वाइल मेरी हेल्थ कितनी सफ़र की थी, मेरा रेटिनल हैमरेज हो गया था, मेरी दोनों आँखों में हैमरेज हो गया था, दिखाई देना बंद हो गया था, कभी मेरे को मेरी सर्जरी थी एंडोमेट्रियोसिस की, फिर मुझे PCOD एडिनोमायोसिस, ये सब कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बच्चे का ट्राई, वो सब कुछ इतना कुछ लाइफ में चलता रहा कि एक टाइम पे ऐसा लगता है ना कि यार ठीक है ओके आभारी, अगर मेरा फ्रंट ऑफ द कैमरा में जाने का मन नहीं है तो लेट मी जस्ट फिगर आउट वो वाली चीजें वो फिगर आउट कर लेती हूँ जो एटलीस्ट कैमरे के पीछे से हो रही है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग ओके मैं जब तक मेरा कैमरे के आगे जाने का मन नहीं कर रहा है तब तक मैं आभारी पे फोकस कर लेती हूँ। सो अभी आभारी जो मेरा ब्रांड है साड़ीज़ का, बाय द वे वो साड़ीज़ का ब्रांड मैं नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज वो सिर्फ साड़ीज़ का ब्रांड नहीं रहेगा। आई एम कमिंग अप विद सो मेनी अदर ऑप्शंस, लाइक वील हैव बेड शीट्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारे आगे लाइफ में प्लान्स हैं। बट आई अंडरस्टैंड दैट वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत धीरे होंगी, लाइक मेरा जो प्रोसेस रहेगा आभारी को बिल्ड करने का वो बहुत ही स्लोअर रहेगा देन एनी अदर पर्सन हु हैज़ अ बिग टीम, हु हैज़ यू नो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक यू नो वेबसाइट के लिए बंदा बैठा है अलग, फाइनेंस अकाउंट्स अलग दिख रहा है, और कोई इंसान पूरी ऐसे यू नो शूटिंग के लिए एक पूरा वीडियोग्राफर रखा हो, तो वैसा कुछ है नहीं। 2-3 लोग हैं हम जो करते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, सो इसलिए ऑब्वियसली स्पीड जो है वो स्लो रहती है। तो अदरवाइज कर रही हूँ मैं, आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट एंड नाउ आई थॉट के आई थिंक अच्छा ब्रेक हो गया, आई एम फीलिंग नाइस। आई ऑल्सो वेंट टू गोवा दिसंबर में ही, मैं एक सोलो ट्रिप के लिए गई थी, बट इस बार वाला मेरा जो सोलो ट्रिप था वो सोलो रहा नहीं, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, मेड न्यू फ्रेंड्स, पार्टीड अ लॉट, ड्रैंक सो मच। लाइक इससे पहले मेरे जो एक दो गोवा के सोलो ट्रिप्स हुए थे उसमें हमेशा यू नो आई वॉज दैट पर्सन जहाँ पे कि ओके नहीं यू नो माई बॉडी लैंग्वेज ओनली वॉज वेरी क्लोज्ड, नो बडी वुड इवन कम एंड से हाई टू मी, बिकॉज मेरे बॉडी लैंग्वेज से वो दिखता था कि आई एम जस्ट हियर टू हैव अ काम एंड चिल एंड रिलैक्स टाइम, डू नॉट आई एम नॉट हियर टू यू नो मेक फ्रेंड्स और एनीथिंग। बट दिस टाइम गोवा में गई तो गोवा में मेरे फर्स्ट 2 दिन कुछ जानने वाले लोग थे, वो लोग पार्टी कर रहे थे, उनको पार्टी में ज्वाइन किया एंड देन वो पार्टी वाला इतना माहौल बन गया कि फिर उसके बाद अगले 5-6 दिन और जो मैं गोवा में थी, आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एज इन मिले वहाँ पे, पार्टी वार्टी करी, उसके बाद ठीक है हो गया, उसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। बट या बट दिस टाइम आई डेफिनेटली हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गोवा ट्रिप, बट आई एम हैप्पी। सो या हाउ वॉज यू न्यू ईयर? मैंने आपको बताया मेरे चोट लग गई, अदरवाइज बहुत अच्छा साल चला है। लास्ट 10 दिन मैंने और कमल ने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत इन्जॉय का मतलब बहुत इन्जॉय, क्योंकि मैंने और कमल ने मतलब
खूब पार्टियाँ करी हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो मैंने स्टोरीज डाली भी नहीं है। लाइक मैं और कमल लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर तो इतना बाहर गए हैं, इतना घूमे हैं, इतना खाया है, हेल्दी भी खाया है, गंद भी खाया है, और स्मैश गए, गेम्स वेम्स खेले, बहुत कुछ किया, अच्छे अच्छे लंच किए, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। सो वी हैड अ रियली रियली ग्रेट नाइस एंड ऑफ द ईयर। बट हाँ, लास्ट सेकेंड लास्ट डे पे जो मुझे चोट लग गई उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का सा वो आया, बट दैट्स व्हाट आई पोस्टेड ऑन द स्टोरी ऑल्सो के लिटरली एंडेड the year with a bang. What's your new year resolution? Lots of love from Vaishu. Hope you will take my name in your video. Thank you Vaishu. My new year resolution, yaar वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, उस पर तो एक अलग वीडियो बन सकती है। Now since I'm back, I might make a resolution video. But main मेरा यही है यार मोटिव इस बार के आभारी को इस साल थोड़ा और बिल्ड करना है। अभी सिर्फ हमारे पास साड़ियाँ हैं राइट, तो साड़ियों के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम चल रहा है, तो वो धीरे धीरे आएंगी चीज़ें, होगा। बट आई एम ओनली वन मैन आर्मी, हेलो, आई हैव टू डू एवरीथिंग, मतलब दिस लॉट दैट गोज, ठीक है। मुझे भी अभी धीरे धीरे पता चल रहा है बहुत काम होता है, तो वो इसलिए धीरे है स्पीड, बट होगा। सो या मेरा न्यू रेजोल्यूशन यही है कि वापस से यूट्यूब पे थोड़ा और यू नो ज़्यादा वीडियोस बनानी है, और आभारी को थोड़ा सा बिल्ड करना है, एंड मेन जो है वो ये है कि मुझे बहुत सारा ट्रैवल करना है इस साल, चाहे मैं छोटा ट्रिप लूँ, चाहे मैं बड़ा ट्रिप लूँ, चाहे मैं इंडिया से बाहर जाऊँ, चाहे मैं नहीं जाऊँ। मेरा एक पाउडर नहीं मिल रहा है, अब वो नहीं मिल रहा है तो यही वाला लगा लेती हूँ, बट लूज़ पाउडर लगाने का मन था मेरा एनीवे। तो हाँ, तो किसी भी तरीके का ट्रैवल हो, बट आई हैव टू जस्ट गेट आउट, मतलब मैं अभी ऐसे नहीं कर सकती। मैंने मैं ना ये लास्ट एक साल बहुत ज़्यादा यूट्यूब भी नहीं किया राइट, तो उस वजह से भी मेरा बड़ा कम हुआ। अदरवाइज यूट्यूब के कारण होता है ना, कुछ भी कह लो यार, होता ही है कि आप कहीं ना कहीं निकल ही जाते हो कि चल यार कमू ये वीडियो बनानी है, चल अपन चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एंड देन इस बार हम लोगों ने त्यौहार भी नहीं मनाए, कोई दिवाली होली जो भी था सब निकल गया ऐसे ही। तो दिस ईयर 2023 वॉज सो सैड एक तरीके से, मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, कोई कुछ कुछ बड़ी ज़्यादा नहीं हुआ। करा है, ऐसा नहीं है, ट्रैवल करा है, सब कुछ करा है, बहुत चीज़ें करी है, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करी हैं। सो वही चीज़ें हैं कि करनी है वापस से, बिकॉज जब आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं करते हो, आप देन रियलाइज़ करते हो कि आप कितना इन्जॉय करते थे उन चीज़ों को, एंड वन ऑफ देम इज़ यूट्यूब ऑल्सो। एंड यूट्यूब के साथ जो भी पर्क्स होते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो शॉपिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हो यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सिर्फ अपने काम की वजह से करते हो राइट, नहीं तो आप पड़े रहते हो ऐसे किसी कोने में, हाँ ठीक है वीडियो शूट होनी नहीं है, पड़े है सुबह से रात तक, ऐसे ही निकल गया, या फिर ऐसे गंदे वंदे बन के ऐसे ही अपना ब्रांड का काम चालू है तो वो चालू है। बट यू नो हाउ आई यूज़ टू गेट रेडी ऑल्सो, क्योंकि वीडियो बनानी है तो मेकअप करना है, तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मिस करी हैं, एंड आई यूज़ टू रियली इन्जॉय डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो या वही मेरा रेजोल्यूशन है कि अब वापस से सब चीज़ें करनी है। ओके, यू आर लुकिंग स्लिमर नाउअडेज, काइंडली शेयर डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन। कुछ नहीं यार, काफ़ी ऑन ऑफ ही है अभी भी, बट हाँ इंटरमिटेंट है एक चीज़ जिसको मैं काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, कि कुछ भी नहीं हो पाए तो इंटरमिटेंट तो मेरा चालू ही रहे 16 आवर्स का, वो है लाइक अब लास्ट कुछ दिनों से नहीं हुआ, तो अब आज 1 जनवरी है, तो सोचा हुआ था कि 1 से शुरू करना है और आज से कर लिया। तो अभी लंच करके 1 बजे अपना जो मेरा टाइम होता है लंच करके, उसी के बाद मैंने शुरू किया है वीडियो शूट करना। हाउ इज एटम एंड मिस्टी, वी लिटरली मिसिंग देम। आई नो यार, आई नो, कब से मैंने जब ये चीज़ें नहीं करी हैं तो फिर एटम मिस्टी को भी ज़्यादा दिखाया नहीं है। एटम मिस्टी की लाइफ में क्या हुआ, मिस्टी का तो आपको पता है सर्जरी हुई थी, उसका यूट्रस रिमूव जो होना होता है ना, वो सब हुआ, एंड शी टुक इट वेरी वेल। मुझे ऐसा लग रहा था हाय कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हाय यार ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, ये अपने जो अपना जो यू नो वूंड जो मतलब जो कट होता है उस पर कुछ ऐसे ना कर ले या वैसे ना कर ले, बट शी टुक इट सो वेल। उसने हमें कोई बेचारी ने मतलब टेंशन नहीं दी, सब उसने बढ़िया से किया काम, पूरा अच्छे से वो समझ गई, वो शीशी न्यू कि कुछ हुआ है मेरे साथ, तो अच्छे से उसने हमें पूरा कोऑपरेट किया। और उसके बाद एटम के साथ किसी ने सवाल ये भी किया हुआ था कि एक बार आपने बोला था कि एटम को कुछ हुआ है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, आएगा तो बोलूँगी, स्क्रीनशॉट लिया मैंने कि एटम को कुछ हुआ था, मैं अभी यू नो रेडी नहीं हूँ बताने के लिए, तो हाँ वो भी शॉर्ट में बता देती हूँ। एटम का ये हुआ था कि एटम मेरे हाथ से छूट गया था, एक्चुअली मिस्टी मेरे हाथ से छूटी थी, तो मैं मिस्टी को वापस से पकड़ने के लिए गई और मुझे लगा एटम तो मेरा भोला सा है बेचारा, वो तो खड़ा रहेगा, लेकिन इस बदतमीज लड़के ने क्या किया, वो चला गया लिफ्ट के अंदर, और जब तक मैंने नोटिस किया कि एटम कहाँ है, वो लिफ्ट के अंदर जा चुका था, और उसकी जो लीश थी वो लिफ्ट के दरवाजे के अंदर बंद हो गई थी, और जब लिफ्ट नीचे गई तो एटम
लिटरली आपने वीडियोस में देखा है ना, जैसे अगर कोई वीडियो देखते हो वायरल, उसके अंदर बेचारा कोई डॉगी है जो लिफ्ट में अटक गया है और फिर ऊपर लटक गया है, ऐसे लिटरली लिफ्ट नीचे चली गई और उसकी लीश अटकी रह गई, तो वो हो चुका है लिटरली इसके साथ. मैंने बहुत टाइम उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी भाई, मैं इतना ज़्यादा ट्रॉमा में आ गई थी, बहुत ट्रॉमा में आ गई थी, मुझे लगा आई लॉस्ट एटम टुडे इन द लिफ्ट और मेरी गलती की वजह से. बट थैंकफुली हम लोग जिस फ्लोर पे रहते हैं, बाय चांस उनसे एक ही फ्लोर नीचे, हमसे एक ही फ्लोर नीचे वालों ने बटन दबाया हुआ था लिफ्ट का, तो जब वो लिफ्ट नीचे गई, वो थैंकफुली बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, वो सिर्फ एक ही फ्लोर नीचे गई और जिन्होंने दबाया था उन्होंने देखा कि किसी का डॉगी लटका हुआ है लिटरली, तो उन्होंने जल्दी से उसे अनहुक किया लीश से. एंड तब तक उन्हें मेरी रोने की ऊँचे ऊँचे चीखने की आवाज़ें आ रही थी और उन्होंने मुझे नीचे से ही बोला ऊपर कि आपका डॉग ठीक है, वी हैव योर डॉग, डोंट वरी. एंड फिर मैं नीचे गई भाग के, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ था, मैं बस बटन दबा रही थी लिफ्ट के और ये सब बहुत कुछ कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. एनीवे बट ही सर्वाइव्ड दैट इंसिडेंट, ऑल माय फॉल्ट. नाउ वैसे मैं एक्स्ट्रा केयरफुल रहती हूँ, बट यू नो हाउ समटाइम्स मिष्टी बिहेव्स, तो मिष्टी का ध्यान रखने के कारण आई थॉट के एटम ठीक ही रहेगा, बट देन एटम ने बेवकूफ़ी कर दी एक और वो चला गया आगे लिफ्ट में. सो वो है, तो एनीवे नाउ वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल विद हिम, आई एम एक्स्ट्रा केयरफुल विद हिम. वो हुआ, मिष्टी की सर्जरी हुई, उसके अलावा और क्या. हाँ, अभी कमो अट्टू को रिसेंटली एक वो भी हो गया था, एलर्जी हो गई थी, स्किन एलर्जी. वो सिर्फ उसी को, उससे किसी को नहीं हो रही थी, उससे मिष्टी को कुछ नहीं है, हल्का सा एक पैच उसके गाल पे था जिससे उसे डॉक्टर ने बोलता कि कुछ दवाई लगेगी यहाँ पे, बट नाउ ही इज फाइन. बट अदरवाइज दे बोथ आर डूइंग फाइन. एटम एंड मिष्टी भी अब काफ़ी आपस में खेलते हैं, काफ़ी दोस्ती हो चुकी है, एक दूसरे के ऊपर सर रख के सो भी जाते हैं कई बार. सो थिंग्स आर फाइन. ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज योर, ये मैंने जवाब दे दिया. हाउ डिड यू कोप विद पेरेंट्स लॉस? माई मदर रिसेंटली वेंट. पापा तो मेरे बहुत पहले लाइक 1996 में ही चले गए थे. इसका ये है कि यार वैसे मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, नाउ आई थिंक आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यू नो, शायद दो दिन से मैंने मम्मी के बारे में सोचा नहीं, मम्मी मेरे दिमाग में नहीं आई, सो मे बी आई एम डूइंग बेटर. बट देन जब भी कोई बात होती है फिर ऐसे लगता है कि आई एम स्टिल स्टक देयर, पता नहीं. तो ठीक है, आई थिंक काफ़ी बेटर हो गई हूँ, थोड़ी और बेटर हो जाऊंगी, बट यू नो हाउ इट इज़. ये दुख कभी जाता नहीं है, 100% नहीं जाता है. जब मेरे पापा गए थे तो आई वॉज सो स्मॉल कि मेरी इतनी यादें नहीं थी, जो था मम्मी ने ही बताया हुआ था या जो था वो बस सुना हुआ था, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे लिए. बट मम्मी के साथ बिकॉज यादें बहुत थी, बहुत टाइम साथ में गुजारा था, काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी, बुरी भी थी बट अच्छी भी थी, अच्छी थी ज़्यादा. तो उस वजह से मैम आई डेफिनेटली मिस माई मदर एंड दैट लॉस विल ऑलवेज बी देयर, वो तो हमेशा फील होगा. हाउ इज़ योर एंडोमेट्रियोसिस पेन? हाउ आर यू? मुझे एंडोमेट्रियोसिस वापस आ गया है, एडिनोमायोसिस जो भी, तो पेन कभी कभी उठती है मुझे, बट मेरी लाइफ स्टाइल अब थोड़ी बेटर हो गई है पहले से, खाना वाना सब ठीक हो गया है, तो आई थिंक अब मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली दर्द नहीं होता है, कभी कभी होता है, बट ऑनेस्टली लास्ट एक डेढ़ महीने से मैंने फेस नहीं किया है उस प्रॉब्लम को, तो अभी मैं भूल ही बैठी हूँ एक तरीके से. ओके, बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, जबकि इस वीडियो से इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है. पहले लोग मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बहुत पूछते थे, प्रेग्नेंट कब हो रहे हो, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो और ये और वो, बट अभी बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछते हैं, वो है कि वाई आर यू, क्या, हाउ आर योर टर्म्स विथ योर ब्रदर एंड फैमिली नाउ? सो आई थिंक आज मुझे इन सवालों पे रोक लगा देनी चाहिए बाय आंसरिंग, बिकॉज आई मेड यू पार्ट ऑफ माई फैमिली बाय व्लॉगिंग व्हेन आई वॉज देयर विद माई मदर, विद माई ब्रदर, भाभी एंड एवरी वन. नाउ आई कॉन्ट से दैट यू नो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस बिकॉज आई मेड यू पार्ट ऑफ दिस. सो जस्ट इन शॉर्ट जो बात है वो तो मेरे भाई और मेरे बीच की ही है बात, बट हाँ, जस्ट टू पुट एन एंड टू दिस, आई नो एंड तो नहीं होगा, बट स्टिल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, वो यही है कि हाउ आर माई टर्म्स विद माई ब्रदर एंड माई फैमिली नाउ? वी आर नॉट इन टच, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स नाउ. वापस से कोई टाइम आएगा जहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो हो जाएंगी, बट जिस दिन से मेरी मम्मी की डेथ हुई है वी आर नॉट इन टच. बट आई वॉन्ट टू जस्ट पुट एन एंड हियर ओनली. इसके अलावा मैं ना कभी बात करूँगी, ना मैंने पहले कभी की है. ऊँच ऊपर नीचे थोड़े बहुत रिलेशनशिप पहले भी मेरे रहते थे जब मैं यूट्यूब पे थी, 3-4 साल पहले भी ऊपर नीचे थोड़ा सा रहते थे, बट आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट यू नो कि एग्जैक्टली क्या. सो वो चीज़ हम शायद मेरे और मेरे भाई के बीच में ही रहनी चाहिए, बट अदरवाइज येस, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स नाउ. सो
आई थिंक आप लोगों को थोड़े कम सवाल करने चाहिए इसे, मेरे लिटरली क्वेश्चंस भरे हुए हैं, पता है भरे हुए हैं भैया और फैमिली के बारे में पूछ के। बट एनी वे, एंड आई एम श्योर यार, जो रिश्ते होते हैं वो ऐसे हमेशा कभी 100% ऐसे कभी ख़त्म होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मेरे भाई और मेरे बीच में भी काफ़ी बार चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, एंड देन वी ऑलवेज कम आउट ऑफ इट। फिर किसी न किसी कारण से ऊपर वाले ने ही हमें मिला दिया है, चाहे वो कोई भी कारण हो। तो अगर आगे भी ऊपर वाला कभी चाहेगा कि हमें मिलाना है तो हम मिल जाएंगे, और अभी के लिए चीज़ें थोड़ा सा हॉल्ट पे हैं, एंड इट्स बेस्ट दैट वे आई थिंक, अगर ऐसा ही रखा जाए तो। वन थिंग यू लर्न फ्रॉम अभारी दैट यूट्यूबिंग फॉर सो मेनी ईयर्स कुडंट टीच यू। नहीं यार देखो, स्ट्रगल्स तो हर चीज़ में ही है। जब यूट्यूब भी शुरू किया था उसमें भी ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए बड़ी नई थी, एंड आई डिडंट नो हाउ टू शूट, आई डिडंट नो हाउ टू एडिट, कैसे क्या करते हैं क्या, तो उसमें भी एक अपने स्ट्रगल्स थे। और जब मैंने आभारी शुरू किया तो उसमें बस ये था कि डिफरेंट तरीके के स्ट्रगल्स थे, बट स्ट्रगल्स तो हर चीज़ में है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको आदत नहीं है करने की, या कोई भी चीज़ आप पहली बार कर रहे हो, एंड स्पेशली बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है ना कि पापा हैं, यू नो पापा का बिजनेस है तो वो समझा देंगे कि बेटा ऐसे करते हैं, इससे बात करते हैं, या चल हम ऐसे करके आए। आई हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन माई ओन। एंड कमल का भी बाई चांस ऐसा है, ही इज़ नॉट फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, उसके पापा भी यू नो हमेशा ड्यूटी में रहे हैं, सर्विस में रहे हैं, ये लोग भी बिजनेस में नहीं रहे। और मेरे साथ भी ऐसा कोई नहीं था जो मुझे हाथ पकड़ के सब कुछ बता दे कि ऐसे कंपनी फॉर्म होती है, फिर ऐसे CA का ये होता है, फिर वो होता है, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढते हैं, यहाँ यहाँ जाके ऐसे करते हैं। तो वो सब कुछ मैं सीधे मतलब साथ के साथ सीख रही हूँ। एंड ऑल्सो मैंने अपना ब्रांड जब शुरू किया ना, तो मैंने ऐसे शुरू नहीं किया गाइस समथिंग इज कमिंग, वेट फॉर द सरप्राइज, समथिंग बिग इज कमिंग। मैं उस तरीके की हाइप क्रिएट करी नहीं। एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन भी है कि वाई ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्टेड आभारी। मैंने ऑल ऑफ अ सडन आभारी स्टार्ट नहीं किया था। मैं पिछले 3 साल से कुछ काम करने के बारे में सोचती थी, और कुछ चीज़ें फ्लॉप भी हुई, मैंने शुरू भी करी और वो यू नो वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। सो मैंने कोई भी चीज़ एकदम से शुरू नहीं की है, जस्ट दैट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ना मुझे हाइप क्रिएट करनी नहीं आती है, कि यू नो पहले ही जो 2 महीने पहले ही आप शुरू कर देते हो टू क्रिएट दैट हाइप, वो मुझे आती नहीं है, मुझसे होती भी नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आता कि कैसे हाइप क्रिएट करते हैं। तो वो इसलिए आप लोगों को लगा कि मैंने एकदम से शुरू किया, एंड ऑल्सो बिकॉज ये भी था कि मुझे एकदम से एक्चुअली आना ही नहीं था, मुझे ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था। मैंने हमेशा देखा है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, ये मम्मी की लाइन होती थी कि अगर होटल भी शुरू कर रहा है ना तो सबसे पहले वेटर का काम आना चाहिए आपको। तो मतलब इस तरीके से मैं, इस तरीके से मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो रहा है। सो आई डिडंट वांट कि हाँ मेरे पास तो बहुत जनता है, मेरी तो साड़ियाँ सब खरीद लेंगे आसानी से, चलो जी करो शुरू। वो मेरा अप्रोच था नहीं काम की तरफ। मुझे ऐसे था कि मुझे पहले अगर कुछ शुरू करना है आप लोगों की तरफ, आप लोगों के लिए अगर कुछ लेके आना है और आप लोगों को तक कुछ लेके आना है, तो मुझे पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पहले परफेक्ट होना है। परफेक्ट तो आप काम कर करके ही सीखते हो। मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे आप लोगों के साथ ही मतलब मैं भी ग्रो हुई, आप लोगों ने भी मुझे ग्रो करते हुए देखा। एंड द सेम वे आई वॉन्टेड थिंग्स फॉर आभारी ऑल्सो, कि मैं टाइम के साथ धीरे धीरे इसको ग्रो करूँगी, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में कि देखो कहाँ से आभारी शुरू किया था, एग्जीबिशन लगाया करती थी, यू नो ऐसे टेबल के पीछे खड़े होकर एग्जीबिशन लगाती थी, साड़ियाँ बेचती थी, एंड देन शी स्टार्टेड दिस, देन शी यू नो उसका वेबसाइट चालू हुआ, देन शी एडेड दिस, देन नाउ शी हैज़ दीज मैनी प्रोडक्ट्स, नाउ शी हैज़ दीज मैनी कैटेगरीज। सो आई वॉन्ट कि आप लोग भी मेरे साथ उस ग्रोथ को साथ के साथ एक्सपीरियंस करो, वाई नॉट, एंड आई लाइक इट लाइक दैट। मैं ऐसा कभी रही नहीं हूँ कि यू नो हम तो विद अ बैंग साला मार्केट में आएंगे और ऐसा करेंगे, मेरे को वो चीज़ें कभी समझ नहीं आई है, मैंने कभी की नहीं है उस तरीके से चीज़ें। मैंने हमेशा धीरे धीरे काम को करते करते सीखा है हर चीज़ को। तो आभारी के साथ भी इसीलिए मैंने वैसा किया कि मैंने सबसे पहले एग्जीबिशंस लगाई, और फिर जब मुझे लगा कि ओके थोड़ा बहुत मुझे कस्टमर बेस समझ आया है, किस तरीके की लोग क्या सवाल क्या कैसे होता है, उसके बाद ही मैं यूट्यूब पर आप लोगों को मतलब मैंने बताया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि हाँ भाई ऐसा कुछ शुरू किया है। एंड आई हैव बिन लकी डेफिनेटली, आई नो, क्योंकि अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो आई नो सम पीपल जो लिटरली बोलते हैं कि भाई हम एक एक ऑर्डर को तरस जाते हैं, राइट right? कई होता है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस के साथ होता है, जब आप स्टार्ट करते हो आपको पता ही नहीं है आपके ऑडियंस, आपके पास ऑडियंस ही नहीं है कोई। तो मेरे पास तो बहुत सारी ऑडियंस थी, आप लोग हो मेरे पास, तो जहाँ लोग इतना तरसते हैं ऑर्डर्स के लिए, आई नो आई गेट ऑर्डर्स एवरी डे, किसी दिन 10 हैं, किसी दिन 2 हैं, किसी दिन 20 भी हैं, कभी 1 भी नहीं है। सो वो है, बट आई एम स्टिल नॉट वन ऑफ दोज जिनको क्लू ही नहीं है कि मतलब
पहला ऑर्डर आए तो आए कैसे, वो नहीं है. वेरी वेरी थैंकफुल टू द यू नो यूट्यूब कम्युनिटी जो मैंने बनाई है, जो भी मैंने जितनी भी आज तक वीडियोस पे काम किया है उससे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं. और एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोगों को मेरी चॉइस जो साड़ियों की है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, जब भी मैंने कभी भी कोई फैशन रिलेटेड भी वीडियो करी है तो हमेशा मैंने बोला है ना कि यू नो आई लव कॉटन, आई लव ब्रीदेबल कपड़े, आई लव दिस. अब आपने हमेशा सुना होगा मुझसे हाउ फॉन्ड आई वॉज आई एम ऑफ यू नो कॉटन लिनन और ये सब चीज़ें. मैं कम्फर्ट में बहुत बिलीव करती हूँ. सो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे कुछ जो कि वाई साड़ीज ओनली या वाई यू नो दीज काइंड ऑफ साड़ीज ओनली. सो वो पहली बात तो ये कि अभी धीरे धीरे बिल्ड होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी. बट हाँ, टू स्टार्ट विद जिस चीज़ से मुझे स्टार्ट करना था, ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद समथिंग जो जिससे मैं तो रिलेट करूँ, तो मैं कॉटन से ही रिलेट करती हूँ. वाई साड़ीज आई टेल यू, बिकॉज सच बताऊँ तो मैंने साड़ियाँ दो रीज़न. एक तो मुझे साड़ी पसंद है बहुत, आप लोगों को पता है, पता ही होगा कि मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है. रिसेंटली मैंने जब वेट गेन कर लिया था उसके बाद मैंने साड़ियाँ पहनना थोड़ा सा कम कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि उतनी फ्लैटरिंग नहीं लग रही है मुझ पर, मैं थोड़ी सी आउट ऑफ शेप लग रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई हैव ऑलवेज इन्जॉयड वेयरिंग साड़ी इवन बिफोर यूट्यूब, जब मैं कॉरपोरेट फील्ड में थी या हाँ जब मैं बहुत साल पहले कॉरपोरेट इंडस्ट्री में थी, जॉब किया करती थी, मैं एवरी डे साड़ी पहन के जाया करती थी. और मैंने लिटरली बोला था कि प्लीज़ मुझे साड़ी कंपलसरी कर दो हमारे डिपार्टमेंट में, बिकॉज आई लव वेयरिंग साड़ी. सो आई ऑलवेज हैड अ कनेक्शन विद साड़ीज, मेरी लाइकिंग तो थी ही हमेशा. माय मदर आल्सो आई हैड ऑलवेज सीन व्हाइल ग्रोइंग अप कि मेरी मम्मी साड़ियां बहुत पसंद करती थी. ठीक है, तो मेरा एक था एक झुकाव था साड़ियों की तरफ. तो एक तो वो, और दूसरा जो एक बहुत प्रैक्टिकल जो मुझे रीज़न जम रहा था, जो लग रहा था कि हाँ यार आई शुड स्टिक टू साड़ीज ओनली फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज साड़ियों में क्या होता है कि साइजेस का कोई ज़्यादा सीन नहीं होता है. लाइक ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा आपको स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा कि एस साइज आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल. अब कैसे होता ना ये कुर्तियों वगैरह में, अगर मैं कुछ भी और चीज़ें करती इस तरीके के अगर कोई आर्टिकल्स करती तो उसमें ये वाला सीन भी रहता. तो विद साड़ी एंड नाउ नेक्स्ट हमारा बेडशीट्स होगा, विद दीज थिंग्स आई थॉट कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसे इन बहुत ज़्यादा मेरे को स्टॉक, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे को नहीं करनी पड़ेगी. हाँ, इन्वेस्टमेंट से याद आया ये भी सवाल है, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम आभारी. सो यार अभी आभारी से कमा रही हूँ मैं, ऑब्वियसली ऑर्डर्स आ रहे हैं तो कमा ही रही हूँ, बट ऑनेस्टली मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, आई एम ओनली पुटिंग इन मनी. एंड ऐसा ही होता है जब आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो ऑब्वियसली आप पहले पैसा उसमें डालना पड़ता है आपको, राइट. अब आप अगर देख रहे हो कि अगर वेबसाइट पे, आभारी की वेबसाइट पे अगर 150 प्रोडक्ट्स हैं तो वो एक्चुअली 150 प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके मोस्टली सबके आगे 50-50 पीस भी हैं, 10-10 पीस हैं, 20-20 पीस हैं. तो सोचो कितनी इन्वेंट्री आपके पास हो जाती है. एंड देन अगर साइजेस का भी सीन होता तो आई थॉट कि मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता स्टार्टिंग के लिए, वेयर आई एम ऑल्सो लर्निंग थिंग्स. सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद साड़ीज, इनमें साइजेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है. सो दैट्स वाई एक्चुअली दैट्स वाई आई स्टार्टेड साड़ीज. देन पीपल हैव आस्क्ड वाई आभारी, वाई नेम आभारी. ओके, बहुत सारे लोगों ने पूछा है एंड एक्चुअली मुझे इसका जवाब बहुत पहले दे देना चाहिए था जब मैं इनफैक्ट अपना ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रही थी तभी. बट नाम इतना सिंपल था, मुझे लगा आप लोग डेफिनेटली खुद ही रिलेट कर जाओगे उस पर. मेरे को ऐसे प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा आप लोग समझ जाओगे यू नो आभारी का मतलब होता है थैंकफुल, ग्रेटफुल. सो आई वॉज वेरी थैंकफुल कि मैं ऐसा कुछ कर पाई मेरा बिजनेस शुरू करने का. आपको शायद पता नहीं है, मैंने कभी बात नहीं की है इस बारे में, बट मैं, कमल जानता है, मेरे आसपास के लोग जानते हैं हाउ मच आई यूज टू टॉक अबाउट कि यार मुझे कुछ बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है. सो बिजनेस के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट होना, वो सब एक टाइम था जहाँ पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बट आज मैं कर सकती हूँ. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज कर सकती हूँ तो अब मैं लाखों लाखों उसके अंदर, मतलब 50-50 लाख डाली जा रही हूँ, ऐसा नहीं है. मैं अभी भी माइंडफुल होकर चल रही हूँ हर चीज़ में, धीरे 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 ग्रो कर रही हूँ. बट हाँ, एक वो शुरू करने का एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया वो इसीलिए आया क्योंकि हाँ, आई नो आई कैन अफोर्ड स्टार्टिंग अ बिजनेस, आई कैन पुट इन मनी बिकॉज आई अर्न्ड वेल फ्रॉम यूट्यूब. सो वो एक चीज़ की बड़ी मुझे ग्रेटफुलनेस थी, मैं बहुत थैंकफुल थी कि थैंकफुली यू नो, मतलब मैं कुछ जो चाहती थी मैं इतने सालों से कि मुझे शुरू करना है, वो मैं शुरू कर पा रही हूँ. एंड माई मदर ऑल्सो बाय द वे ऑलवेज वॉन्टेड कुछ बिजनेस शुरू कर, जो थी कुछ बिजनेस ऐसे ही जैसे मम्मियाँ बोल देती ना, वो बोलती थी. एंड एनी वे, आभारी का मतलब मेन तो यही है. उसके बाद
आभारी में अ से शुरू हो रहा था, जो मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों का नाम ही अ से है, अजय और अनीता। एंड उसके अलावा आभा का मतलब, आभारी के आभा का मतलब होता है शोभा, और नारी का उसमें री था। तो उस तरीके से बहुत सारे रीजंस के कारण मुझे लगा आभारी सेट आ रहा है। और बाय द वे, जब हम मैं जब नाम के बारे में सोच रही थी, आभारी वॉज द फर्स्ट नेम दैट केम टू माई माइंड। मैंने और कुछ नहीं सोचा था, आभारी आया। और उसके बाद जितने भी नाम आए दिमाग में, वो कोई भी ऐसा लगा कि नहीं 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 ये भी अच्छा नहीं। उसके बाद जो भी नाम आया, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। तो फिर इसलिए आई स्टक टू दिस ओनली, क्या बोलते हैं, आभारी। सो दैट्स वाई आभारी। हाँ, डज इट एवर फील लाइक इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आभारी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बट मुझे बीच में ऐसा ज़रूर हुआ था, जहाँ पे YouTube से मैं, या फिर अपनी इतनी सारी चीज़ों से मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी, ड्रेन्ड फील कर रही थी, कि मुझे ये ज़रूर लगा था कि यार, जहाँ मैं चाह रही थी मेरा काम कम हो, वहाँ पे मैंने अपना काम और ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया। डेफिनेटली ये थॉट मेरे दिल में आया था। बट हाँ, ऐसा नहीं आया था कि मैंने आभारी गलत कर लिया शुरू करके, ऐसा नहीं था। बस यही था कि अरे यार, मैं तो काम कम करना चाहती थी, मैंने काम बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया अपना, तो आई होप मेरी हेल्थ पे इस चीज़ का कोई ज़्यादा वो ना पड़े। बट दैट्स दी ओनली थॉट दैट केम टू माई माइंड, एंड देन आई स्पोक टू कमल अबाउट दिस। तो कमल का वही कहना था कि ज्योति देखो, अगर तुम्हें लग रहा है तो यू नो दैट तुम जब कोई चीज़ भी छोड़ना चाहो, तुम छोड़ देना। तुम्हारी हेल्थ और मेंटल हेल्थ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बट ऐसा सोचो मत, क्योंकि तुम तो वैसे भी बहुत लाइट ही ले रही हो, धीरे धीरे कर रही हो काम को, तो अपना इंजॉय करो काम को, क्यों टेंशन ले रही हो, मत सोचो इतना ज़्यादा। तो ये हमारी डिस्कशन डेफिनेटली हुई थी, बट नॉट मोर देन दैट। बहुत सारे कमल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं कि क्योंकि अब कमल यहाँ पे नहीं रहता है तो कैसा मैं फील करती हूँ, बट आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दैट, कवर्ड दैट। ओके, आभा, ओके, ये भी आभारी से इनकम कितनी होती है। ओके, इतना मस्त आइटम तुम्हारे प्यार में पड़ा कैसे? बेटा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, जब वो मेरे प्यार में पड़ा था तो क्या मैं मस्त नहीं होकर? मैं अभी भी मस्त हूँ, बट मैं, हाँ, पहले मैं भी बहुत मस्त आइटम हुआ करती थी, तो इसलिए वो मेरे प्यार में पड़ा। इन साड़ीज देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, बट हाउ डिड यू थिंक ऑफ डूइंग दीज वेरी एलिगेंट ऑप्शन? मैंने जवाब दे दिया है, बिकॉज आई रिलेट द मोस्ट विद कॉटन लिनन एंड यू नो फैब्रिक्स लाइक दीज, तो इसलिए आई स्टार्टेड, इसलिए आई चोज दीज काइंड ऑफ मटीरियल्स, दीज काइंड ऑफ फैब्रिक्स फॉर माई ब्रांड। एवरी ईयर यू टेक हेयर कट वेटिंग फॉर न्यू लुक? हाँ, आई नो, जब भी नया साल शुरू होता था तो मैं जाती थी एक हेयर कट करवाती थी। बट बाय द वे, इस बार अगर आप नोटिस नहीं कर रहे हो तो मैं ऑलरेडी अपना हेयर कट, अपने बाल शॉर्ट करवा चुकी हूँ, तो उस वजह से एंड ऑफ द ईयर पे आपको ऐसी कोई वीडियो देखने को मिली नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉटन अ हेयर कट। आई थिंक एक महीने पहले, आई थिंक नवंबर में मैंने करवाया था ना, और मैंने उसका व्लॉग डाला था, तो आप वो देख सकते हो, व्लॉग मैंने डाला था। बट हाँ, इस बार मैं न्यू ईयर तक रुक नहीं पाई, बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक के मेरा बहुत मन कर रहा था, और भी एक दो रीजन्स थे, तो मैंने कहा यार करवा लेती हूँ, बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो इसलिए मैंने करवा लिया। बट अदरवाइज हाँ, मैं हमेशा न्यू ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर करवाती हूँ, बट दिस टाइम मैंने थोड़ा सा जल्दी करवा लिया। आई थिंक यू शुड एड सम मोर कैटेगरीज इन क्लोदिंग टू योर ब्रांड, बिकॉज इट्स सून गोना बी अ बिग ब्रांड। एज आई सेड कि मैंने और ऑप्शंस डेफिनेटली डालूंगी, उन पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, सो सून आपको दिखेंगे और भी कैटेगरीज आभारी की वेबसाइट पे। मोस्ट अंडररेटेड एंड ओवररेटेड यूट्यूबर अकॉर्डिंग टू यू? यार देखो, ये सवाल वैसे मुझे जवाब देना नहीं था, बट मैं पता है क्यों दे रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार, हम कौन होते हैं किसी को अंडररेटेड या ओवररेटेड बोलने वाले, ठीक है? कुछ साल पहले शायद मैं डिफरेंट थॉट प्रोसेस की हूँ, बट मुझे अभी ऐसे लगता है कि हु आर वी टू डिसाइड हु इज़ अंडररेटेड और हु इज़ ओवररेटेड। पहली बात तो, जिस इंसान को लोग देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से देख रहे हैं, वो चूज़ कर रहे हैं उस इंसान को देखना, तो वो ही डिसाइड कर रहे हैं ना। Nobody is forcing them to watch me or anybody, right? तो अगर आप enjoy कर रहे हो, आप तभी देख रहे हो। आप कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है जो आप enjoy कर रहे हो, या फिर आपको बड़े मज़े आ रहे हैं देखने में, ठीक है? तो वो आप चूज़ कर रहे हो। आप उसको, इंसान को ओवर शायद इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या जो भी है। सो जो कर रहे हो आप कर रहे हो, वो इंसान तो अपना काम कर रहा है। एंड आई रियली थिंक कि हम कौन होते हैं किसी को ओवररेटेड या अंडररेटेड बोलने वाले। सब अपना अपना, देखो यार, काम करने में लगे हुए हैं, किसी की कोई लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को फेम चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सो आई थिंक हमें, हम कोई नहीं होते किसी को ओवररेटेड स्पेशली बुलाने वाले। अंडररेटेड, हाँ, मतलब ठीक है यार, सब अपनी किस्मत का खा रहे हैं। मुझे लगता है जितना जिसकी किस्मत में लिखा है वो उतना ही अचीव कर रहा है, और वो जितना मेहनत कर रहा है उतना अचीव कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज नथिंग लाइक
अरे यू डिजर्व मोर या फिर यू डिजर्व लेस, जो जिसकी किस्मत में है वो उसको मिल रहा है. सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अभी आप कैसा फील कर रहे हो अंदर से लाइफ में इतने सारे चेंजेस के बाद? हाँ यार, मेरी लाइफ में लास्ट 1.5 साल में चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे. हाँ, यू नो, कई बार सुबह होती थी और सुबह पता है कि हाँ मम्मी को फ़ोन करना है, या मम्मी का फ़ोन बच जाएगा, या मम्मी को ये बताना है, या ये बात डिस्कस करनी है, या डांट खानी है, या डांटना है. तो मम्मी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई. और अब जो फ़ोन आते थे या मैं जो फ़ोन करती थी वो नहीं है. नाउ आई ओनली लिसन टू हर वॉइस नोट्स. एंड कमल समटाइम्स एक्चुअली मुझे मना करता है वो कि तुम पागल हो क्या, उनके कुछ जो वॉइस नोट्स हैं तुम रिपीटेडली सुनती रहती हो. बट थैंक गॉड आई हैड दोज, यू नो, व्हाट्सएप नोट्स. मैं मम्मी को बहुत बड़ी चीज़ों में बोलती थी कि मम्मी वॉइस नोट भेजो ना, आप नहीं टाइप कर पाते हो तो इतना क्यों करते हो, वॉइस नोट भेजा करो. तो उस वजह से कई बार, क्योंकि मम्मी को आदत नहीं थी वॉइस नोट भेजने की, वो टाइप ही करती थी, टूटा मूटा ही करें पर करती थी. तो वो कारण से, मेरे कहने के कारण से, मम्मी ने अब कुछ टाइम से 2-5 बार मेरे को वॉइस नोट भेजे थे. एंड मुझे नहीं पता था कि वो वॉइस नोट्स मेरे इतने काम आएंगे. मतलब मैं बहुत सुनती हूँ उन वॉइस नोट्स को, बहुत बार सुनती हूँ. मैंने लिटरली अपने आप को मेल करके रखे हुए वो वॉइस नोट्स, ताकि इधर उधर ना हो जाए, मेल करे हुए मैंने, ड्राइव में डाले हुए अपनी, बिकॉज वो ही एक तरीका है जिससे मैं अपनी मम्मी की आवाज़ सुन पाती हूँ. और हाँ, और बाकी कमल के जाने से चेंजेस हुए थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इट्स फाइन. हमारा जो डिस्टेंस है उस वजह से हमारे साथ चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, कोई ऐसी खास बुरी नहीं हो रही हैं. बस हाँ, मेरे ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा आ गया है, अब घर भी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे देखना पड़ता है. एंड मिष्टी थोड़ी सी, वो मिष्टी के कारण थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है. लाइक मिष्टी थोड़ी सी, यू नो हाउ इट इज़, उसके थोड़े बिहेवियरल इशूज़ हैं. तो उस वजह से आई कॉन्ट जस्ट लीव हर ऑन हर ओन के हाँ मैं तो जा रही हूँ अपने इस काम से, अब तो आई डोंट गिव अ डैम के हाउ यू आर फीलिंग. तो मिष्टी थोड़ा सा एक स्पेशल चाइल्ड नहीं बोलूँगी, बट उसके हैं अपने कुछ ट्रॉमाज हैं लाइफ में, और वो मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है ऐसे टाइम्स में. या उन वजहों से थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया, बट अदरवाइज मोर और लेस ओके ही है, सब बढ़िया चल रहा है. विल यू डू अनदर एग्जीबिशन फॉर अभारी? यार एग्जीबिशन का क्या है, मेन तो टाइम था वो वाला जब यू नो वो सब फेस्टिवल सीजन था सारा, दिवाली वगैरह, तो हम लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी सारी एग्जीबिशंस की. वो भी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी उसमें भी चीज़ें हेवाएं हुई, नुकसान हुए, फ़ायदे हुए, जो भी बहुत सारी लर्निंग्स हुई. बट अभी वो टाइम जा चुका है जहाँ पे एग्जीबिशंस लग रही हूँ खास. अभी वेडिंग सीजन चालू होगा अभी जैसे नेक्स्ट मंथ से, तो थोड़ा वापस से हो सकता है कि हम लोग शायद एग्जीबिशंस करें. बट क्या है कि मेरी जो साड़ियाँ हैं ना, आई नो दैट मोस्टली देयर कॉटन्स, लिनन्स, खादी और ये सब, तो वो शादियों में इतना ज़्यादा काम नहीं आती है. शादियों में पीपल गो थोड़ा सा यू नो सिल्क होता है या ये सब चीज़ें लोग पहनना पसंद करते हैं, बनारसी एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट आई नो आई डोंट हैव मच. सो पता नहीं है मुझे एग्जीबिशंस का वेडिंग सीजन में क्या सीन रहेगा. बट या अगर कोई होगी तो मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगी अभारी के पेज पे. मेकअप खत्म हो गया और क्वेश्चंस भी यहीं पे खत्म करते हैं. आई थिंक स्टार्ट करने के लिए ये इनफ है, इतने सारे क्वेश्चंस. बाकी तो धीरे धीरे पूरे साल आपके सवालों के जवाब देते ही रहना है मैंने. सो ये है. एंड या आई एम रेडी ऑलमोस्ट. बस अब मैं थोड़े बाल वाल ठीक कर लेती हूँ और फिर थोड़ी शाम तक कमल के वो फ्रेंड्स आ जाएंगे, वो होगा बस. सो होप यू गाइस हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. होप आप लोगों का 2024 जैसे मैं होप कर रही हूँ मेरे लिए अच्छा जाए, वैसे ही आपके लिए भी अच्छा जाए. आपके साथ 2023 आपका ईयर कैसा रहा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और कोई ऐसी बात है अगर जो कमेंट में नहीं बता सकते, डीएम करनी है तो डीएम करना. एंड या होप यू गाइज हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर चेकिंग अप ऑन मी. बहुत सारे मैसेजेस आते थे, मुझे बड़ा प्यारा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि हाई यार ओके पीपल आर वेटिंग, पीपल स्टिल लव मी, पीपल आर वेटिंग. उस वजह से मुझे बहुत हिम्मत भी आई कि हाँ नहीं ज्योति इट्स ओके, टेक योर टाइम बट यू गो बैक, टेक योर टाइम बट यू गो बैक. सो वो भी रहा, होता है ना जब आपको पता है कि है कोई वेट कर रहा है आपके लिए तो आपका जाने का मन करता है ना. तो आई न्यू दैट यू, so many of you were waiting for me. So yeah, I've come back. Hope you guys enjoyed this video. Yeah, I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care. Bye. ow, 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 ow. मेरे घुटने में चोट आया, मैं घुटने में बैठ गई. हाँ, मैं भूल गई थी. Sorry. Okay, bye.